हेलो गाइस, सो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इन सब के बारे में, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क प्रीमियम, ये क्या होते हैं। तो रिस्क प्रीमियम, यहाँ से प्रीमियम जो वर्ड है इससे हम लोग को क्वाइट क्लियर हो रहा है कि रिस्क प्रीमियम क्या हो सकता है, हम लोग गेस कर सकते हैं। सो रिस्क प्रीमियम क्या होता है? रिस्क प्रीमियम इज़ द अमाउंट दैट अ रिस्क एवर्स पर्सन वुड बी विलिंग टू पे टू अवॉइड रिस्क टेकिंग। यानी रिस्क अपने लाइफ, अगर एक कोई पीपल है जो रिस्क अवॉइडर है, ठीक है ना, तो वो किसी तरह का रिस्क नहीं चाहता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो इस सिचु अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसके सिचुएशन उसके लाइफ में कोई रिस्क ना आए या फिर कभी भी उसे कोई रिस्क लेना ना पड़े। तो इसीलिए उसे कोई कभी कोई रिस्क लेना ना पड़े, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो जितना प्रीमियम पे करता है मंथ टू मंथ या फिर ईयर टू ईयर, उसी को हम लोग उसके रिस्क प्रीमियम कहते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, सेम होता है, हम अपने कार का इंश्योरेंस कराते हैं, घर का इंश्योरेंस कराते हैं, कि अगर इन कुछ भी केस में, कोई भी एक्सट्रीम केस में अगर मेरा कार या घर को कुछ भी होता है, तो उस समय हम जो इंश्योरेंस जो हर मंथली पेमेंट कर रहे हैं या फिर हर ईयरली पेमेंट कर रहे हैं, उससे हमको वापस, मेरे को मेरा जो घर है या फिर जो गाड़ी है वो मेरे को वापस उस पैसों से मैं खरीद पाऊँ। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो मैं मंथ टू मंथली इनकम, मंथली मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हम लोग मंथली पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वही हमारा रिस्क प्रीमियम है, ठीक है ना। तो रिस्क प्रीमियम क्या है? इज़ द अमाउंट दैट अ रिस्क एवर्स पर्सन वुड बी विलिंग टू पे टू अवॉइड रिस्क टेकिंग। इसको एक ग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं। रिस्क, हम लोग जानते हैं रिस्क अवॉइडर का जो ग्राफ होता है वो कॉनकेव इन शेप होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब सपोज़ करते हैं अगर उसके पास एक रिस्की जॉब है, ठीक है ना, तो रिस्की जॉब में वही सेम 30,000 उसे मिलेगा, 18 यूटिलिटी है उसकी, 18 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी है, और उसके मॉडरेट एफर्ट में उसे 10,000 मिलेगा विथ यूटिलिटी 10, ठीक है ना। इसका वेटेड एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितना है। वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो देखिए, इस लाइन को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमको एफ पॉइंट पे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिल रहा है ऑफ पॉइंट ए एंड बी का, यानी कि एवरेज यूटिलिटी, तो वो है एट 20,000, यानी 20,000 के एक्सपेक्ट, मैंने 20,000 के इनकम पर, एक्सपेक्टेड इनकम पर हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 14 है। बट एट द सेम टाइम पर्सन को सेम यूटिलिटी, यानी 14 यूटिलिटी ही 16,000 इनकम पे भी मिल रही है, जो हमारा पॉइंट ई पर बता रहा है। यानी कि 16,000 इनकम पे भी हमको 14 यूटिलिटी ही मिल रही है, अगर हम लोग एक सर्टेन जॉब, एक सर्टेन इनकम वाला जॉब अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो, ठीक है ना। सो अगर हम लोग एक रिस्की जॉब चूज़ किए तो उस समय हमारा एक्सपेक्टेड इनकम 20,000 है और उस समय मेरा यूटिलिटी 14 है। और अगर हम लोग एक सर्टेन इनकम वाला जॉब चूज़ करते हैं तो उस समय हमारा सैलरी जो है वो 16,000 है और उस समय सेम ही यूटिलिटी है। तो जो रिस्क अवॉइडर है वो क्या करेगा, वो जो पेमेंट जो वो मंथली टू मंथली कर रहा है, वो जो पेमेंट है वो ई एफ से डिनोट किया जा रहा है, यानी कि वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए, जो उसको सेम यूटिलिटी उसको मिल रही है, तो वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए 4,000 का मंथली पेमेंट करेगा, जिससे कि वो रिस्की जॉब ना लेके एक सर्टेन इनकम वाला जॉब ले। इट डजेंट मीन कि आप इसको ऐसे मत समझिए कि जैसे कि ये 16,000 वाला जॉब चूज़ किया गया है तो फिर 16,000 में वो एक्स्ट्रा 4,000 कहाँ से देगा था, तो उसका इनकम जो है वो 12,000 हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग जैसे अपने पहले वीडियोज़ में रिस्क न्यूट्रल के लिए जो एग्जाम्पल लिए थे, सेम उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर भी डील कर रहे हैं, कि एक हमारा जो रिस्की जॉब है 30,000 10,000 का, उसका एक्सपेक्टेड इनकम 20,000 है, जो कि एज सेम एज हमारा सर्टेन जॉब के इनकम के साथ है 20,000। बट क्योंकि वो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो जो पेमेंट कर रहा है 4,000 का, वही उसी 4,000 का वो पेमेंट करेगा। और क्यों वो 4,000 का ही पेमेंट करेगा, कैसे उसे पता चलेगा, क्योंकि उसे सेम यूटिलिटी मिल रही है एट 16,000 पे। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो रिस्क अवॉइड करने के लिए कितना प्रीमियम भर सकता है, अप टू 4,000 रुपीज़ तक, क्योंकि उसे सेम यूटिलिटी जो है एट 16,000 पे भी मिल रही है। तो मतलब वो 16,000 रुपीज़ इनकम लेके खुश है और बाकी 4,000 जो है वो रिस्क अवॉइड करने के लिए वो एज अ प्रीमियम जो है मंथली टू मंथली इंश्योरेंस कंपनी को
पे करेगा। तो ये था कंसेप्ट हमारा रिस्क प्रीमियम का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद कुछ डिस्कशन अनसर्टेनिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन से सिमिलर है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ़ इंडिविजुअल्स यूटिलिटी फंक्शन इज़ UW, यानी कि यूटिलिटी फंक्शन दे दिया है, रूट ओवर W है, W इसका वेल्थ है, तो क्या देन द पर्सन इज़ रिस्क लवर, यानी कि ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स होगा। कैसे होगा, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी यूटिलिटी फंक्शन है तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है उससे वो हम लोग डिराइव करके पता कर सकते हैं कि हमारा पर्सन जो है वो रिस्क अवॉइडर है कि रिस्क लवर है कि रिस्क न्यूट्रल है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा इतना आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव में आ रहा है यानी कि माइनस है, तो ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसका वो डिमिनिशिंग है। और हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रिस्क अवॉइडर का होता है, ना कि रिस्क लवर का। सो इसीलिए ये फॉल्स है। आप जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो एक बार पॉज करके वीडियो खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, अगर वो ना बने तब आप फिर से वीडियो देख लीजिए, इससे क्या होगा फिर आपका भी तब एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखने से और खुद से करने में थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, सपोज़ अ पर्सन हैज़ अ यूटिलिटी फंक्शन UW इक्वल्स टू W2, इज़ दिस ए पर्सन ए रिस्क लवर। वैसे ही सेम हम लोग निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके, जो हम लोग निकाला भी है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, ग्रेटर देन ज़ीरो आया है, कंस्टेंट है बट ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और इसीलिए ये पर्सन जो है रिस्क लवर है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, इज़ दिस पर विल ही एक्सेप्ट अ गैम्बल वेन देयर इज़ अ चांस ऑफ विनिंग ₹20 एंड ऑफ लूजिंग ₹20 विद इक्वल प्रोबेबिलिटी इफ़ हिज इनिशियल वेल्थ इज़ ₹100। सो क्या ये गैम्बल को एक्सेप्ट करेगा अगर इसका विनिंग जो मतलब विनिंग अमाउंट है वो 20 है और लूजिंग अमाउंट 20 है और उसका इनिशियल वेल्थ अगर 100 है। सो अगर इनिशियल वेल्थ उसका 100 है तो अगर वो जीत गया तो उसे कितना मिलेगा 120, और अगर वो हार गया तो उसे कितना मिलेगा ₹80, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक्सपेक्टेड इनकम निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड इनकम क्या होता है हम जानते हैं, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। और क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि व्हेन देयर इज़ अ चांस ऑफ विनिंग इतना विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसीलिए हाफ इनटू हाफ हम लोग लेट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी जो है हमारी। तो एक्सपेक्टेड इनकम मेरा ₹100 है, जो कि सेम एज़ सर्टेन इनकम ऑफ वेल्थ जो मेरा ₹100 है। और क्योंकि ये रिस्क लवर है, हम लोग ने निकाला है पहले, तो रिस्क लवर का क्या होता है कि वो अनसर्टेन इनकम को प्रेफर करेंगे ओवर द सर्टेन वन, इसीलिए पर्सन जो है रिस्क लवर है, यानी कि वो गैम्बल को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे गैम्बल होगा तो वो गैम्बल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया है के टू द पावर 0.25, एल टू द पावर 0.25 है। तो हमको बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, नोटिंग दैट MRTS जो है यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है वो हमारा इक्वल्स टू K/L गिवन है, ठीक है ना। सो ऑप्टिमल आउटपुट के लिए ऑप्टिमल आउटपुट कंडीशन हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, W/R इक्वल्स टू K/L होता है, और W/R हमारा कॉस्ट फंक्शन से आता है जहाँ पे W जो है वेज रेट एंड R जो है हमारा रेंट है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमल कंडीशन होता है ऑप्टिमल आउटपुट के लिए। सो हम लोग यहाँ से K निकाल सकते हैं, फिर K टू द पावर 0.25 का वैल्यू तब इतना हो जाएगा, ये इक्वेशन वन होता है। पुट और इस इक्वेशन वन को जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करेंगे, नॉर्मल मैथ्स जो हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को पता चलेगा, ये आप खुद ही डिराइव करिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, देखने से ज़्यादा क्लियर होगा। तो K का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हम लोग, फिर L है, फिर इसको इक्वेट किए एंड ऑल, तो हमको एक L का वैल्यू जो है मिलता है, L का वैल्यू हमारा L स्टार जो है वो हमारा Q² इंटू R/W टू द पावर हाफ, ये होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम लोग करते हैं तो L टू द पावर हाफ जो है वो कट जाता है और यहाँ पे L सिर्फ बचता है और ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग K स्टार भी निकाल सकते हैं, जो हमारा इक्वेशन था इसमें हम लोग L का वैल्यू, अब जो L स्टार है उसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा K स्टार भी निकल जाएगा, तो K स्टार हमारा इतना आ गया।
अब हम लोग कॉस्ट फंक्शन में जो हमारा के स्टार और एल स्टार आया है ये हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग रन का है, लॉन्ग रन का एक्सप्रेशन बोल रहा है, इसीलिए हमारा के भी हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा कॉस्ट फंक्शन का, और यही हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इसमें मैथ्स है थोड़ा, तो ये देखने से क्लियर ना हो उतना शायद खुद से करने पर ही क्लियर होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोडक्शन फंक्शन 5L प्लस 10K, और हमको पूछ रहा है कि आइसोकॉन कैसा होगा दिखने में, लुक लाइक ग्राफिकली, व्हाट डज आइसोकॉन लुक लाइक ग्राफिकली, व्हाट लॉ डज इट वायलेट, फाइंड टू इनपुट बंडल्स ऑन द आइसोकॉन फॉर क्यू इक्वल्स टू 100 एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द आइसोकॉन। तो स्लोप ऑफ आइसोकॉन हम लोग जानते हैं डी के बाई डी एल होता है, तो और आइसोकॉन में हमारा आउटपुट जो है वो सेम रहता है, माने फिक्स्ड रहता है आउटपुट। जब हम लोग टोटल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो डी क्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो डी के बाई डी एल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि हमारा माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो यही हमारा स्लोप ऑफ आइसोकॉन हो गया, माइनस हाफ ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसके बाद हमसे पूछा है ये, तो ये ग्राफिकली हमारा आइसोकॉन इस तरह दिखने में होगा, और फिर बोल रहा है कि व्हाट लॉ डज इट वायलेट, ठीक है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एम पी एल बाई एम पी के, यानी कि डेल क्यू बाई डेल एल बाई डेल क्यू बाई डेल के। तो इक्वेशन में कैसा होता है, डी क्यू इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल एल इंटू डी एल प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू के इंटू डी के, ठीक है ना। तो इस जगह में और इस जगह में हमारा कितना है, हम लोग इक्वेशन हमारा 5L प्लस 10K है, यानी कि डेल क्यू बाई डेल एल का वैल्यू 5 है, डेल क्यू बाई डेल के का वैल्यू 10 है, एम आर टी एस 5/10 यानी कि हाफ इक्वल्स टू कंस्टेंट है। बट हम लोग प्रॉपर्टी से हमारे पिछले पहले वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था आइसोकॉन का प्रॉपर्टी के ऊपर, जो हम लोग जानते हैं कि आइसोकॉन का प्रॉपर्टी यानी कि जो वो होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये कंस्टेंट है, तो ये मार्जिनल जो प्रॉपर्टी है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का, उसको ये उस लॉ को वायलेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमको ऑप्टिमल आउटपुट निकालने बोला है, तो ऑप्टिमल आउटपुट हम लोग जब क्यू इक्वल्स टू 100 है तो हम लोग के को ज़ीरो पकड़ेंगे उसमें, और क्यू इक्वल्स टू 100 है इसी इक्वेशन में बैठा देंगे 5L प्लस 10K, जब के ज़ीरो होगा तो L का वैल्यू 100/5 यानी 20, और सिमिलरली जब L ज़ीरो होगा तो के का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन पेपर्स 10 ईयर्स के डिस्कशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि और ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर पाएँ। तब तक के लिए अनसर्टेनिटी के ऊपर, अनसर्टेनिटी का जितना क्वेश्चंस था वो फाइंड आउट कीजिए, और अगर कोई भी चीज़ में डाउट हो या फिर कुछ भी समझ ना आया हो या फिर मुझसे कोई वीडियो बनाने में कुछ भी गलत हो गया हो कहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उसे फिर से ठीक कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।